वाराणसी के शिवाला घाट पर अवधूत दत्त पीठम द्वारा कराया जाएगा अतिरुद्र महायज्ञ। 12 दिनों तक चलने वाले इस अतिरुद्र महायज्ञ में काशी के पंडितों के अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के वरिष्ठ वैदिक भी सम्मिलित होंगे। इसकी जानकारी आज एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को दी गई। आज यहाँ देश विदेश के कोने कोने से अनेक शिव भक्त श्रद्धालु सिंह घाट पर एकत्रित होने जा रहे हैं। दक्षिण भारत के अनेक राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, हजारों संख्या में भक्तगण परम पूज्य श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के नेतृत्व में तथा उनके कर कमल सज्जात, माफ कीजिए, 11 दिन अथवा 12 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में अपने आप हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। यह कार्यक्रम अपने आप में एक विशेष कार्यक्रम है। अवधूत दत्त पीठम के पीठाधिपति जगत गुरु गणपति सच्चिदानंद स्वामी ने पत्रकार वार्ता में अतिरुद्र महायज्ञ के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि यह सभी वेदों में यजुर्वेद उद्दान्त सुंदर एवं विस्तृत यज्ञ वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें संहिता की प्रमुख भूमिका है, जिसमें भी चतुर्कांड के रुद्राध्याय का अंश अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि विविध रीतियों के अनुसार रुद्राध्याय के अनेक प्रकार में विभाजन है, परंतु इसका 169 मंत्रों में विभाग अत्यधिक संगत तथा उपाधेय रूप याग के अनुष्ठान संपादन के लिए होता है। इन 169 मंत्रों में सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का व्यापक एवं सर्वांगीण वर्णन है। उन्होंने कहा कि यह महायज्ञ 13 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक चेत सिंह किला घाट शिवाला में आयोजित किया जाएगा। ऐसा अवधूत का तत्व बहुत मुश्किल है, अवधूत दर्शन का। अभी हिमालय जाने के आप प्रयत्न करो, अवधूत दर्शन हो सकते हैं। इसलिए दत्त परंपरा का दत्त भक्तों के भी अवधूत का एक निकट संबंध है। इसलिए स्वामी जी जीवन में दत्तात्रेय का प्रचार करने का, दत्त उपासन करने का एक मौका मिला। हजारों भक्त लोगों के, लाखों लाखों भक्त लोगों के दत्त भगवान का तत्व प्रबोधन करते हैं। अभी देश देश ओम नमः शिवाय। हमारा सौभाग्य है काशी में, वाराणसी में यज्ञ करने का, अतिरुद्र यज्ञ करने का एक मौका मिला है। इसलिए 11 दिन इधर रुक के यज्ञ करने का एक महासंकल्प हो गया है, अतिरुद्र यज्ञ करने का महासंकल्प हो गया है। आप सब लोग आना है, आप सब लोग देखना है, दर्शन करना है। और दत्तात्रेय आश्रम बना, छोटा दत्तात्रेय आश्रम में भी बनाया है। आप एक बार आना है, 11 दिन इधर ही यज्ञ हो रहा है, जरूर आप सब लोग आना और शिव का दर्शन लेना, शिव का अनुग्रह, अग्निदेव का, रुद्र का अनुग्रह लेना है, आप सबका अच्छा होता है। यज्ञ के फायदे क्या हैं? यज्ञ के फायदे अभी साइंस में बोल रहा है, यज्ञ कई को करना है, यज्ञ करना, लेकिन एयर पोल्यूशन हो गया है सब जगह पर। एयर पोल्यूशन का एक विरोध भाव मंत्र शास्त्र से आज होमा, इसमें कोई पदार्थ नहीं वेस्ट नहीं करता, सिर्फ ओनली आज का घी का, वो घी का धूप सब जगह पर ब्रह्मांड मंडल में जाकर, वो विष अनिल है, वो विष अनिल इनका लिए लड़ा करती है, इसका विरोध है। कब पूरा विष अनिल वायु का
पूरा पोल्यूशंस का ये यज्ञ का होम धूम इसके लिए अच्छी होता है, अमृत होता है, इसलिए ऐसा साइंटिफिक भी फायदा है। और यज्ञ का द्रव्य में क्या क्या द्रव्य उसमें है वो भी वो मेडिसिन वैल्यू है, ये सब दवा का है ये सब। और मंत्र का, वेद मंत्र का, वेद विचार आपका सब मालूम है, वेद का तत्व का आपका सबका मालूम है, वेद विचार मंत्र वेद पठन का भी सारा वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन एक काशी में शिव सन्निधि में वातावरण शुद्ध नहीं होने का कोई नहीं है, हमेशा शुद्ध हो गया है, गंगा माई के शुद्ध हो गया है। लेकिन गंगा माई के तट पर और शिव सन्निधि में वो वेदांत वेद लोगों की, वेद पंडितों की भी अच्छी होता है, और वेद कौन सुनता है, वेद मंत्र सुनता है, इनकी भी स्वास्थ्य होता है। और वेद मंत्र द्वारा होम करने का उसमें धूप में से भी पूरा वातावरण स्वच्छ होता है, वो साइंटिफिक ही प्रूव हो गया है, अमेरिका सब लोग बोल रहा है ऐसा प्रकार। गुरु जी एक सवाल, आपने कहा कि हवन करने से वायु प्रदूषण कम होता है, और अगर बात काशी की जाए तो काशी में आए दिन हवन होते रहते हैं, बावजूद इसके काशी प्रदूषण के मामले में पूरे देश में नंबर एक पर बना हुआ है, यहाँ का वायु प्रदूषण पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे में ये हवन ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इसका इम्पैक्ट कहाँ दिख रहा है? इम्पैक्ट दिखता नहीं है, एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट दिखता है, वो भी दिखता है, स्वास्थ्य में होता है, प्राणी सब स्वास्थ्य में होता है, इसलिए दिखता नहीं, भगवान का कृपा दिखता नहीं, हमेशा हो रहा है, एक काशी में हवन हो रहा है, भगवान का एक दीप जलाओ, घी का दीप जलाओ, वो भी हवन है, हवन का है वो भी है, वो वायु का विरुद्ध भास हो सकता है। अभी पटाखा सब हो गया, विश्व अनिल है, वो विश्व अनिल कब विश्व अनिल वो मोड में हो गया है मेघमंडल में, ये मंत्र का और घी का वायु अनिल दोनों मिलकर उसमें मेघ बनता है मेघ। और एक बार बरसात आने के हो सकता है, इसलिए वो दिखता नहीं है, भगवान महिमा कैसा दिखता है वो फिजिकल नहीं है हमेशा, इसीलिए वायुमंडल में शुद्ध होता है। गुरुजी मेरा बचपन में उद्देश्य होता है, एक बार इधर केदारघाट में स्वामी जी एक आश्रम बनाना है, मेरा उद्देश्य बहुत जगह पर मैं बनाया है, वो भक्त लोग बनाए हैं। नाथ मेरा परंपरा का नाथ क्या है, मतलब कुछ नहीं बोलता, वो नाथ परंपरा का नहीं, नाद करके मतलब म्यूजिक के नाद 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 का म्यूजिक, नाद का चिकित्सा अभी कलयुग में बहुत हो रहा है, और इनके लिए बहुत साइंटिफिकली प्रूव हो गया है, इसलिए नाद होना है, नाद से हमारा शरीर, इसलिए इधर भी वो करने का।